नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कमलनाथ कैबिनेट के मंत्रियों की। मंत्री भी ऐसे जिन्हें जिसको कहा जाए कुछ तो ऐसे हैं जो अनुभव है जिनको, बाकी जो नए हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है और कैसी मर्यादा का पालन उनको करना चाहिए। राज्य विधानसभा में आज खुद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति को मंत्रियों को सदन में नसीहत देनी पड़ी, कई बार बोलना पड़ा भाई सब अपनी कुर्सी पर चले जाएं, वहाँ सीट पर बैठें, परंतु उनके कई बार बोलने के बाद भी जब मंत्री अपनी अपनी सीट पर नहीं पहुँचे तो सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए समीक्षा का विषय होना चाहिए और ये तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये शिकायत की है कि मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं और अफसरों में मंत्रियों का खौफ नहीं है या फिर व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके चलते उनके काम नहीं हो रहे हैं। वस्तुस्थिति क्या है और क्या वाकई काम इतने ज़रूरी हैं कि जिनकी वजह से मंत्री अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बनता क्यों है आदमी और अगर बन जाता है तो फिर वो जनता से दूर क्यों हो जाता है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं हाकिम सिंह रघुवंशी जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बात करूँ मैं बीजेपी की तो बीजेपी से भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे अक्षर शर्मा जी, वो यहाँ अपनी विवेचना प्रस्तुत करेंगे कि ये सब जो कुछ चल रहा है वो कितना ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हाकिम जी आपसे, आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसका संक्षिप्त मैंने आपको विवरण सुनाया और आप चूँकि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जिस तरीके की स्थिति सदन में बन रही है ऐसी स्थिति बनना चाहिए क्या? जैसी रिपोर्ट बताई है आपने बिल्कुल अशोभनीय बात है वो, और मंत्रियों को आसंदी का और अपने मंत्री पति गरिमा का पूरा ख्याल रखना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी समझना चाहिए। जनता ने बहुत उम्मीदों से कांग्रेस को बहुमत दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत समन्वय बनाना पड़ेगा और बहुत ही अनुशासन के रहते हुए मुख्यमंत्री जी की उम्मीदों पर अनुसार काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने ये कहा था कि भाई मैंने मंत्री बना दिया, आपको विभाग दे दिया, अब ईमानदारी से काम आप दिखाइए, पर कई मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे बीजेपी के जो मंत्री किया करते थे उसी तरीके से कि बंगले में पड़े हुए हैं और बाहर बोर्ड लग गया साहब लोकल गए हैं या प्रवास पर हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भटकते घूम रहे हैं, कभी बंगलों पर, कभी मंत्रालय में, कभी पीसीसी, मिल नहीं रहे हैं ये एक बात, और दूसरा मिलते भी हैं तो इतनी मतलब हड़बड़ी में, इतनी जल्दी में हैं कि ऐसा लगता है कि मंत्री ना हुआ भगवान हो गया। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ मंत्रियों के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहना है आपका, कई कार्यकर्ता बहुत शिकायत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तक भी शिकायत पहुँच गई है, विधायकों ने भी शिकायत की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रियों की बहुत जिम्मेदारी है, उनको बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जहाँ तक बंगलों की बात है, बंगले कई मंत्रियों को आवंटित अभी तक हो नहीं पाए हैं, कई मंत्री बंगले पहुँच नहीं पाए हैं, उसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ रही है। उनका बंगलों में शिफ्ट होना तत्काल ज़रूरी है और अपना ऑफिस सेटअप करें और एक टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ अनिल जी आपसे ये सवाल कि ये जो परंपरा कांग्रेस के नए मंत्रियों ने, अब नए क्या दो महीने तो इनको हो ही गए हैं, तो इनने जो अपना रखी है वही परंपरा आपके यहाँ थी, मंत्रियों से मिलने का समय लेना इतना दुष्कर कार्य था कि वो ना जनता से मिलते थे, ना नेताओं से मिलते थे, आपके नेताओं से मतलब कार्यकर्ताओं से, और ना जनता से ना मीडिया से, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या है। वो तो ये मान के चलते थे कि हम भगवान हैं और उसके चक्कर में आपके 16 जो चेहरे थे वो इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं। आप मानते हैं ये बड़ी गलती आपकी पार्टी के कुछ विधायकों से हुई जो मंत्री बन गए थे? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल आकलन सही है, परंतु इस तरह से नहीं हो रहा था हमारे यहाँ। जैसा कि आज कांग्रेस में आप
आज की विधानसभा की घटना जैसे आपने बताई, तो इस तरह की कोई भाजपा में ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, कुछ प्रवास पर रहते थे या कुछ व्यवस्था के कारण कार्यकर्ता या लोगों से नहीं मिल पाते थे, परंतु ऐसा नहीं था कि भाई बोर्ड लगा दिया और अंदर बैठे हैं और नहीं मिल रहा है। नहीं, पर यहाँ अनिल जी ये जो बात सामने आ रही है वो तभी आ रही है ना कि अगर इतना अच्छा काम करते आपके मंत्री, 16 की मैं बात करता हूँ, 3 के टिकट कट गए और बाकी के जो है 13 हार गए जी। तो अगर ये 16 चेहरे अच्छा सा काम करते, चलिए 3 को अपन माइनस भी कर दें, तो बाकी के जो 13 हैं इनकी तो स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी ना। रुस्तम सिंह को देख लीजिए आप, गौरीशंकर सेजवार जी को देख लीजिए, ये मतलब वो चेहरे हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा था और जिसको कहें कार्यकर्ताओं को ऐसे समझते थे कि ये तो सब जर खरीद गुलाम है और पैर भी छुरा कार्यकर्ता तो देख नहीं रहे हैं, उसमें लाते मार रहे हैं और बस चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रकाश जी, नहीं यही स्थिति थी। आप देखिए, आप उसको स्वीकार करिए, इसीलिए हारे ना। नहीं, उसके हारने के कई कारण है। क्या कारण है? कई कारण है, जैसे भाई अब 15 साल का इंटरनल इनकम्बेंसी फैक्टर रहा तो क्यों रहा भाई? अरे कई आपसे ये पूछ रहा हूँ अपेक्षा से। सुन तो लीजिए, बाकी के जो अगर आपके 13 जीत के आ गए, जो मंत्री थे और फिर से जीत कर आ गए, वो भी तो जीत कर आए ना। नहीं, पर आपके आपके यहाँ कई जो स्थिति थी वो तो यही थी कि वो इतना घमंड में आ गए थे कि वो तो मिलना ही जुलना उनने बंद कर दिया था। नहीं नहीं, घमंड में नहीं थे, ऐसा नहीं है तिवारी जी, पगला गए थे। नहीं तो अब आप जब घमंड नहीं मान रहे तो मैं क्या समझूं? अकल का हैजा था, अकल। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है तो सही तो बताइए जनता को। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि 15 साल की जो वो था, तो वहाँ कहीं कुछ मंत्रियों का व्यक्तिगत कुछ तो वही बात हुई ना, एंटी इनकम्बेंसी तभी तो आती ना जब आप जनता से, सुन तो लीजिए, जब आप जनता की बातें और उनकी जो समस्याएं वो नहीं सुनते हैं तभी तो जनता नाराज होती है ना आपसे और आपको वोट नहीं देती है। तो ये आप ही की जो कार्य प्रणाली है उसी से नाराज होकर जनता ने वोट नहीं दिए ना। कहीं ना कुछ तो कारण ना होंगे जो कि ये तेरा हार है, और उसमें ये भी हो सकता है कि कार्यकर्ता और पब्लिक जो है मंत्री और विधायकों से दूर रही या टिकट सही आकलन करके नहीं बटे, तो ये हार के कारण के ही हो सकते हैं। अक्षय जी, आपको क्या लगता है जो विधायक रहता है पार्टी में कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी में, तब तक उसकी वर्किंग स्टाइल अलग होती है। मैं आम तौर पर बात कर रहा हूँ, या 1-2% लोगों को छोड़ दीजिए जो मंत्री बनने के बाद भी उसी अंदाज में रहते हों, पर ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति होती है कि मंत्री बनने के बाद वो बिल्कुल गर्रा जाते हैं। फिर उनको ये लगता है कि अब मेरा पीए ही फ़ोन उठाएगा, पीए ही बात करेगा और मैं किसी की ना समस्या सुनूंगा ना उसको सॉल्व करूंगा, और करूंगा भी तो उनको टालूंगा। ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं क्या विधायकों में मंत्री बनने के बाद? अभी तक जो हमने कहीं देखा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ 1% लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों में इस तरह का भाव आ जाता है। कुर्सी पर बैठने के बाद में हमने देखा कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले जब कैसी स्थिति थी और जब बन गए उसके बाद क्या स्थिति थी, एकदम गाल उनके लाल हो गए थे। ऐसा कई वैज्ञानिक भी इस तरह का दावा करते हैं कि अगर कोई सत्ता पे काबिज होता है तो उसके अंदर अंदर से ही कुछ इस तरह के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं कि वो उस तरह का अंदर ही अपने आप को बड़ा सशक्त महसूस करने लगता है। तो जब मंत्री पद पे भी बैठता होगा तो उसके अंदर इस तरह का कुछ परिवर्तन वो महसूस करता होगा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कुछ होने के बाद में आप जनता से और ज़मीन से दूर होने लगते हैं, जो कि आपकी जड़ है, मतलब जहाँ से आप ओरिजिन आपका हुआ है, जिस प्लैंक पे आप इस पद पे पहुँचे हो वो तो आप जनता के कारण ही पहुँचे हो, उनके काम करने के लिए, उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए आप वहाँ उस पद पे आपको दिया गया है आपकी योग्यता को समझते हुए। सबसे पहला काम तो आपको जनता की उन समस्याओं का निराकरण करना है। पर आज अगर मंत्रियों में से देखा जाए, जैसे गोविंद राजपूत हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, मतलब मैं ऐसी फहरिस्त गिना सकता हूं आपको कि मतलब मंत्री बने हैं, कौन बने हैं पता ही नहीं चल रहा है। बंगले पे देखो तो भीड़ मची हुई है और मंत्रालय में देखो तो भीड़ मची हुई है। क्या ये सिस्टमाइज नहीं हो सकती कि भाई 10 से लेके 12 बजे तक जनता से मिलेंगे, 12 के बाद मीटिंग लेंगे सरकारी, शाम को विधायकों से मिलेंगे 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटे मीडिया से मिल लेंगे, ये सिस्टमेटिक नहीं हो सकता क्या लोगों? बिल्कुल हो सकता है, इसमें जो नेतृत्व है उसको एक पहल करते हैं, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस आई है, स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, वो इतने वर्षों बाद वो एक सत्ता में अपनी पार्टी को देख रहे हैं, तो उनमें सब तरह की अपेक्षाएँ जागृत हो गई हैं
और मंत्रियों से काम पूरा करवाने की उनकी लालसा है, इसलिए पूरे समय मंत्रियों के आसपास रहते हैं। ऐसे में केंद्र जो नेतृत्व है उनको ये आवश्यकता है कि इस तरह की कोई एक व्यवस्था मंत्रियों के साथ बैठकर बनवा ली जाए, जिसमें कि जो कार्यकर्ता है सेटिस्फाइड रहे और इतने लंबे समय जो अनुभवी नेतृत्व है, मतलब दिग्विजय सिंह जी लंबे समय तक 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं केंद्र में इतने लंबे समय तक मंत्री रहे, तो इनका लंबा अनुभव है शासन करने का, प्रशासन को अपने हिसाब से बनाने का, अपने हिसाब से उसको रूल करने का। तो वो सब जितने भी इस बार युवा बहुत सारे जीत के आए हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, जो कई लोग तो पहली बार मंत्री बने हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग देना भी आवश्यक है। अभी आपने देखा ही पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की बयानबाजी आ गई है मंत्रियों की तरफ से भी आ गई है, विधायकों की तरफ से भी आ गई है, तो ये एक तरह का जो सत्ता से दूर रहने के बाद जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि किसी को नहीं पता कि क्या सार्वजनिक रूप से बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, और ऐसे में फिर जो नेतृत्व है उनको भी थोड़ा सा उसमें संयम रखते हुए सार्वजनिक रूप से किसी को इस तरह से डांटने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप क्योंकि वो इतने लंबे समय बाद सत्ता में आए हैं, मंत्री बने हैं, उनमें भी उस तरह का अनुभव नहीं है, तो उनको बैठा के समझा के या इस तरह की चीजें कहाँ बोलनी कितनी बोलनी ये आप थोड़ा उसको समझ लें, तो बैलेंस दोनों तरफ बना रहेगा। हाकिम जी, यहाँ एक बात उठती है कि राज्य विधानसभा में सारे के सारे 28 मंत्री एक जगह मिल जाते हैं, इसीलिए विधायकों की मजबूरी ये है कि उनको अपने क्षेत्र के काम कराने हैं तो वो कागज ले लेके उनके पास पहुंच जाते हैं, और सदन में जब महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हों तो ये देखने में आता है चाहे मुख्यमंत्री जी हों या बाकी के मंत्री हों, उनके पास विधायकों का आवागमन बना रहता है। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ इसी वजह से क्या नहीं हो रहा है कि मंत्री चूंकि बंगलों पर या मंत्रालय में एक निश्चित समयावधि में घोषित समयावधि में नहीं बैठ रहे हैं, इसके कारण ये दिक्कत हो रही है? आज पता ही नहीं है जनता को कि सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ बैठेंगे कि क्षेत्र में रहेंगे, कब मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। तो क्या ये आपकी सरकार का दायित्व नहीं है कि वो एक तय कर दे प्रोग्राम के PCC जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है वहाँ सारे कार्यकर्ताओं से इस डेट में इस दिन मिलेंगे ये घोषित कर दें, यहाँ की मंत्रालय की बात करें तो वहाँ जो जरूरी हो उन्हीं से मिलें, नहीं तो बेवजह इतनी भीड़ बुलाने का क्या औचित्य, और वहाँ सुरक्षा का भी सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही बंगलों पर कि जनता से भी मिलना है तो जनता से मिलिए आप, ताकि उनके काम हो, जनता के लोगों के काम हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा, अभी तक सिस्टम ही नहीं आया। बिल्कुल सही कहा तिवारी जी आपने और शर्मा जी ने भी, विधायकों को मंत्रियों को जो युवा हैं नए हैं उनकी ट्रेनिंग भी होना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं को उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। दूसरा, मिलने का समय दिन फिक्स होना चाहिए, किस दिन मिलेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे, और उस दिन मिलना ही चाहिए कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता भगवान है, जनता भगवान है, मंत्री को भगवान नहीं है, मंत्रियों को बना दिया है जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा उनको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो पद पर नहीं रह पाएंगे, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं। पर हकीम जी, बात यहाँ ये उठती है कि आप देखिए अभी 90% मंत्री आपके ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, कुछ ने तो अपने फोन बंद ही कर लिए और कुछ ने अपने फोन PO को दिए, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। मैंने खुद लगाया, मेरे दोस्त ने बाला बच्चन जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उनके भी बॉडीगार्ड ने उठाया, वो मैं 1.5 घंटे तक खड़ा रहा लेकिन मेरी बात भी नहीं हो पाई, उनको विधानसभा में कोई क्वेश्चन का आंसर देना था और एक बड़ा खास मसला था, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। तीन महीने से मैं भी सरकार को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ। चलिए, आप जैसे नेता बहुत कम बचे हैं दोनों पार्टियों में, चाहे BJP हो या कांग्रेस, और यही वजह है कि लोकतंत्र में अगर ईमानदारी जिंदा है या फिर नैतिकता जिंदा है तो वो आप जैसे लोगों की वजह से जो वाकई सत्य कहते हैं, जनता की बात कहते हैं। यहाँ पर अनिल जी आपसे ये सवाल कि इतना बड़ा दिल इनका है और साथ साथ इतनी साफ गोई, आपने इतनी साफ गोई नहीं सुनी, आप भी अभी अपने जो निकम्मे टाइप के मंत्री थे उनको अभी बचाते नजर आ रहे थे, आपको नहीं लगता कि पार्टी स्तर पर ऐसे लोगों की समीक्षा होनी चाहिए, उनके कामकाज की होनी चाहिए कि भाई ये हारे इसलिए क्योंकि मिलते नहीं हैं जनता से, और दूसरा मान लीजिए कुछ जीत भी गए हैं तो उनकी भी समीक्षा हो कि कितने से कितने समय तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कितने समय जनता से मिलते हैं, कितने समय मीडिया से मिलते हैं, ताकि उनका एक पूरा व्यक्तित्व जनता के सामने आ पाए। आज तो आपके कई लोगों के पास काम नहीं है, इसके बावजूद देखिए जो ओहदों पर हैं वो पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं, ना प्रदेश कार्यालय में ना घर पे।
नहीं ऐसा नहीं है प्रकाश जी, क्या है कि सब एक बड़ा चुनाव अभी देश की जनता के सामने है, सब उस तैयारी में लगे हुए हैं, लोकसभा की तैयारी में, और सबको नीचे से लेके बूथ से लेके तो ऊपर तक सबको अपने अपना दायित्व दे रखा है पार्टी ने, तो वो तो दे रखा है। आप अब छुपाने का प्रयास नहीं, छुपाने का प्रयास नहीं है, जनता आपको सुन रही है, आप सुन लीजिए, जनता आपको सुन रही है, और जब आप कामचोर किस्म के लोगों को, लापरवाह किस्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो न केवल उससे लोकतंत्र प्रभावित होता है, बल्कि जनता के मन में ये आता है कि यार ये हमारे कैसे जनप्रतिनिधि हैं, मिलना ही नहीं चाहते हैं जनता से। सारे जनप्रतिनिधि सब पब्लिक से मिलना है, कार्यकर्ता से मिलना है, कई जो चूक रही हमारी जो कि हम ठीक से उसको मैनेज नहीं कर पाए चुनाव के टाइम पे, बहुत लंबा अंतराल नहीं रहा हम लोगों का जीत हार का, तो उस चूक पर समीक्षाएँ हो रही हैं आगे हमारी। ज़्यादा समीक्षा तो आप करो मत, आपने सब समीक्षा देख ली जी, कारण जो निकल कर आए वो सामने नजर आ रहे हैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे अनजान हैं, और बात यही ले दे के निकलती है कि अगर यही 13 जो हार गए ये जीत जाते तो आप सरकार में होते ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि वो हम 13 हार, 13 क्या, हम तो 5 ही उसमें से जीत जाते तो होते हम सरकार में। तो मैं यही तो आपसे, मैं आपसे वही तो बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि इस बात को जनता के सामने दर्शकों को बताइए कि हाँ साहब ये हमारे निकम्मे और लापरवाह टाइप मंत्री थे जिनकी वजह से पार्टी से आप सत्ता से दूर हो गए। अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो आज वही कांग्रेस उस पे, जहां आज हमें वहां कल कांग्रेस हो जाएगी अगर ये, वो तो ठीक है, वो तो स्वीकार कर रहे हैं बड़े दिल से, आप अपनी बात बताइए। हम भी स्वीकार कर रहे हैं ना, हमने हार स्वीकार की ना सार्वजनिक रूप से हमारे नेता। आज मुझे ये बताइए कि आज आपके प्रदेश कार्यालय में कम से कम 250-300 की कार्यकारिणी है कि नहीं है जी? अभी आप चले जाइए, कल ही जाइएगा और मुझे बताइएगा 250 में से 50 भी आपको पदाधिकारी मिलते हैं क्या कार्यालय में? देखिए प्रकाश जी, मैंने फिर कहा कि एक बड़ा चुनाव देश के सामने है, सबको अपने अपने व्यवस्थाओं में, अगर हम कार्यालय में बैठ के चुनाव जीत गए तो हो गया फिर। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कार्यालय क्यों बनाया जाता है? हर एक पदाधिकारी की उसमें उपस्थिति सुनिश्चित हो, यही तय होता है ना। अब भोपाल के सुन तो लीजिए, जो भोपाल के नेता है वो तो भोपाल में बैठे हैं कि वो भी नहीं बैठेंगे? नहीं, सब बैठ रहे हैं। अच्छा, आप मेरे को नहीं मालूम आप कितने नेताओं से मिलने जाते हैं। मैं तो हर कभी जाता हूं और जितनी बार जाता हूं सारे कार्य ये इत्तेफाक हो सकता है जी। सुन तो लीजिए कृपा पूर्वक, ज्यादातर की ये स्थिति है कि वो अपने पदाधिकारी अपने केबिन में नजर नहीं आते हैं। ये आज भी इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी की कार्य संस्कृति कांग्रेस से प्रेरित हो गई, और कांग्रेस में जो कमियां थी जिनकी वजह से वो हारे थे 2003 में, वो आपने अपनाई, तो अब आप जो है अब आप बाहर हो गए सत्ता से। पर सवाल ये है कि क्या जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कार्यकर्ताओं के प्रति आपके बड़े नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं है? कार्यकर्ताओं और जनता के बीच की तो हम एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, तो विपक्ष की भूमिका बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे। तो ऐसे ही लड़ेंगे घर बैठ के? घर बैठ के नहीं ना, मैंने आपसे फिर अभी, चलिए मेरा एक एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मैं आपको पूछता हूँ कि भोपाल के जिलाध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र नाथ सिंह? नहीं, हटा दिए गए। अरे मैं पहले की बात, अच्छा जी, पहले थे ना जी, जो चुनाव हार गए। हाँ, है ना जी, ठीक बात है ना। उनकी ये स्थिति थी कि सिवाय वो गुमटी वालों के और जनता से मिलने का टाइम नहीं था, फोन उनको अटेंड होता नहीं था। ऐसे अभी आपके कई पदाधिकारी हैं जिनके फोन अटेंड नहीं हो रहे हैं और जिनकी वजह से आपके अन्य कार्यकर्ता नाराज है। देखिए सुरेंद्र नाथ सिंह एक बहुत ही जमीन से उठे हुए नेता हैं, वो जमीन में ही लेट गए। नहीं, हाँ। मेरी बात तो सुनिए, आप ही सब बोलने के तो फिर मैं, अरे तो इसलिए हार गए ना, झूठ तो मत बोलिए कम से कम। जमीन से जुड़े नेता हैं तो फिर क्यों हार गए भाई? हार क्यों गए ये बता दीजिए। चलिए, अरे भाई हार इसलिए गए कि जैसे कि आपने कहा काम नहीं किया। नहीं नहीं, काम तो सुरेंद्र नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले का बरगद है, कार्यकर्ता के जितना उनसे जुड़ा हुआ है, आज भोपाल की राजनीति में उतना कार्यकर्ता किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हारने के बहुत से कारण होते हैं। चाहते बता दीजिए, दो चार बताइए। आप जो हैं, हाँ बताइए ना, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे भाई साहब, आपको ये सब जी बताइए, आप कारण बताइए। देखिए मैंने फिर कहा ना, 15 साल की इंटर इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसके कारण भाई जनता का कई रोष था, कुछ गलतियाँ मानता हूँ, गलतियाँ मानव वो है, नेचर उससे हो जाता है, गलतियाँ कहीं करी होंगी,
या काम लोगों के नहीं हुए होंगे, तो ये कारण वोट परसेंटेज कम डलना, बहुत सारे कारण होते हैं उसमें जिससे चुनाव हार गए। तो ये मतलब अगर लेकिन उनको निकम्मा कहना आ जाओ, अरे आप सुन तो लीजिए, अभी हमने उनको निकम्मा नहीं कहा, मैं तो अभी आपके उन मंत्रियों को कह रहा हूँ जिनके पास सारे अधिकार थे संवैधानिक, ठीक है। अब आप आगे का सवाल सुनिए कि अगर सुरेंद्र नाथ सिंह जैसे बरगद हार जाएं, तो फिर कौन सा पेड़ आपका जो है इमली टाइप का, या वो कौन जो सरवाइव करेगा जब बरगद ही हार रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई 15 साल की जो पब्लिक में एक आ ही जाता है ना, आप जानते हैं। अच्छा, तो मैं तो आपसे एक एक सवाल पूछता हूँ, बाबूलाल गौर जी हैं कि नहीं आपके, ठीक है कि नहीं, तो वो क्यों जीतते चले आ रहे हैं, वो है बरगद है। देखिए क्या है कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये है कि बाबूलाल गौर जी की खासियत यही है कि उनके मिलने का समय तय है, है कि नहीं, है ना, जनता के बीच जाने का समय तय है जी, लोगों से मीडिया से बात करने का समय तय है जी, इसीलिए वो लगातार 10 बार से जीत रहे थे, सबकोई भी है, ठीक है कि नहीं, सबकोई भी है, और गलत है तो वो गलत भी कह देते हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह जी का भी टाइम फिक्स है, समता पे 7 से 9 मिलते हैं, बंगले पे मिलते थे, लोगों से मिलते थे, बराबर उनकी चर्चा करते थे और उनकी लोगों के काम की चिंता करते थे, तो अब बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, इसको तिवारी जी अपन उसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आप सही इसलिए बताइए क्योंकि दर्शक आपसे एक एक चीज जानना चाहता है, और वो दर्शक को सब पता है, आप जो नहीं बोल रहे हैं वो समझ रहा है उस बात को। चलिए अक्षत जी, आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी में एक नई कार्य संस्कृति पिछले 8-10 साल में डेवलप हो गई है कि जनता से मत मिलो, मीडिया से मत मिलो, और बस अपने ही घेरे में, उनको मालूम है जब इच्छा होती है तो अपन मुलाकात कर ली, जनता से नहीं है तो नहीं मिल रहे, कार्यकर्ता से नहीं मिल रहे, उसका खामियाजा इनको उठाना पड़ा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस का जिस तरह से हम सब जानते हैं कि क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, बावरिया जी ने कहा भी था कि गुटबाजी कांग्रेस में है, इसको मैं मानता हूँ, पर वो हमारी USP है, तो बावरिया जी को ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे, पिछले दिनों कल उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी तरफ कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन द्वारा संचालित है, संगठन पूरे प्रदेश में बहुत ही पहले से कुशाभा ठाकरे और उस जनसंघ के समय से एक बहुत मजबूत जड़ें अपनी उन्होंने फैलाई हैं, संघ और जनसंघ के माध्यम से बहुत निचले स्तर तक जाके उन्होंने काम किया है, तो एक वो कैडर जो है वो बड़ा मजबूत है। और पिछले 15 सालों में जो सब सरकार रही, सरकार अभी आपने चर्चा करी ही किसी की, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहा और दूसरे अन्य कारण भी रहे, और इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस को सफलता मिली है उसमें कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी की गफलत भी जिम्मेदार रही है, तो इसलिए बहुत संभल के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चलने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत रेजर थिन मार्जिन से कांग्रेस सत्ता में है, और जिस तरह का कि व्यवहार मंत्रियों और विधायकों का हमें देखने को मिल रहा है, उससे और भी इनको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, लोकसभा चुनाव में अगर परिणाम अच्छे नहीं हुए तो इसका सरकार पर भी असर पड़ सकता है। आज ही हमने देखा कि जो बुरहानपुर के विधायक हैं शेरा, उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में कह दिया कि यदि मेरी पत्नी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो मैं विचार करूंगा। बसपा के जो विधायक है वो भी काफी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार के प्रति भी जो विश्वास का अभाव है जनता में, वो कहीं डगमगाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अपने आप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, अभी आप यहाँ पर आने से कुछ देर पहले ही एक समाचार हमने पढ़ा कि राजगढ़ जिले में लोकसभा सम्मेलन अलग अलग जिलों में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पर कुछ लोकसभा सम्मेलन की बैठक में 3 का वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, तीनों को वहाँ से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और उनके निलंबन की कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरह की अनुशासनहीनता कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी में होगी तो वो बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही उनका सत्ता में वो इस बार नहीं आए हों, वोट परसेंटेज भी उनका ज़्यादा रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए
इस तरह की चीज़ों को रोकना आवश्यकता है, अपने आप को वापस से रीग्रुप करके और लोकसभा चुनाव का सामना करने की आवश्यकता है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम हम देख सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, देखा आपने यहाँ एक उदाहरण भी दिया है अक्षत जी ने, रोडमल नागर हैं आपके बीजेपी के सांसद, उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी हो गई, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की सभा में शिवराज जी की। तो ये जो अनुशासनहीनता फैल रही है उसका कारण भी यही है कि जब आप कार्यकर्ताओं की समय पर सुनेंगे नहीं, उनके साथ बैठेंगे नहीं और जनता की नहीं सुनेंगे तो ऐसा विरोध सामने आएगा। नहीं, इसमें संगठन सब कार्यकर्ता की चिंता कर रहा है, वो कुछ लोग रहते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। तो अब लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो क्या संघ की हिदायत के अनुसार आप उन्हीं लोगों को टिकट देंगे इस बार जो मतलब विनिंग पोजीशन में हो, ऐसे लोगों को तो नहीं दे देंगे जैसे अभी विधानसभा में दे दिए थे आपने मनमानी करके कि नहीं साहब हमको तो पता है ये तो जीत ही जाएगा, शिवराज जी ने खुलेआम जिनका समर्थन किया और उनमें से अधिकांश हार गए। जी ये तो संगठन तय करेगा किसको टिकट देना है, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है कि मैं इस पे कोई और संघ की सलाह पे अमल करेंगे कि नहीं, उन्होंने तो पिछली बार भी दी थी। हमारा मार्गदर्शक रहा है, हमें समय समय पर उन्होंने हमें अच्छी बातें बताई हैं और संघ का हमेशा हमारे को सहयोग मिलता रहता है, आगे भी बढ़ेगा। हाकिम जी, अंतिम सवाल आपसे कि ये जो उहापोह की स्थिति बन रही है तो क्या मंत्रियों के लिए कोई ट्रेनिंग टाइप की कुछ बात सामने आएगी या फिर उनको अपने कार्य पद्धति में बदलाव के लिए समयानुसार काम करने के लिए व्यवस्थित काम करने के लिए कहा जाएगा? मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं पर क्या अब वो लिखित में अवतरित होगा कोई प्रेस नोट या फिर जिसको कहें आपका कार्यक्रम? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के और कांग्रेस के सरमान नेता हैं, कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता हैं और वो बहुत स्पीड में काम करते हैं, परिणाम देने वाला काम करते हैं। जब केंद्र में पर्यावरण मंत्री थे वो और वाणिज्य मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, तब भी उन्होंने काम करके दिखाया है और यहाँ भी वो उनका कंट्रोल पूरा है, वो निश्चित ही सबको ट्रेनिंग भी देंगे, सबको लाइनअप करेंगे, तरीके से काम में लगाएंगे, सब काम ठीक हो शुरू हो जाएगा। अभी अनियमित कुछ हो रही है, समय में कमी हो रही है लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, बहुत जल्दी परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक बात मंत्रियों को समझ लेनी चाहिए कि वो जनता के लिए हैं और जनता उनसे कुछ अपेक्षाएं रखती है और अगर वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं, खुद जानबूझ के अव्यवस्था फैलाते हैं तो ये पब्लिक है, वो जानती है और समय आने पर जवाब भी देती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाह खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।